नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव को लेकर मिशन ईवीएम हुआ पूरा, सभी जिलों में पहुंच गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चुनावी खर्च में बड़ा फर्जीवाड़ा, 10 करोड़ की गड़बड़ी अब तक पकड़ी गयी। इस वक्त की बड़ी खबर, अगस्त के दूसरे सप्ते से खुलेंगे सभी स्कूल। मंत्री विजय चौधरी बोले, पहले हफ्ते में होगा फैसला। अगले महीने शुरू होगी शिक्षक नियोजन के दूसरे चरण की काउंसलिंग, शिक्षा विभाग ने दी जानकारी। शिक्षा विभाग के ई समाधान पोर्टल की शुरुआत, अब नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालयों का चक्कर। मॉनसून सत्र से पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक, स्पीकर ने सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के साथ की बातचीत। राजू दानवीर ने सरकार पर बोला हमला, कहा ऑक्सीजन से मौत नहीं होने का दावा करना दुर्भाग्यपूर्ण व हास्यास्पद। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या है आपकी तैयारी? पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा, 26 जुलाई को अगली सुनवाई। बिहार में कोरोना की रफ्तार थमी तो चमकी बुखार ने बढ़ाई टेंशन, एक हफ्ते में 9 से अधिक मरीज मिले। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। पंचायत चुनाव के लिए मिशन ईवीएम को पूरा कर लिया गया है। राज्य के अंदर पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इसके लिए सभी जिलों में ईवीएम बुधवार को पहुंच गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछली समीक्षा बैठक के दौरान सभी जिलों को 20 जुलाई तक दूसरे राज्यों से ईवीएम लाने का निर्देश दिया था। राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान 2,09,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। ईवीएम के माध्यम से 4 पदों, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति व सदस्य, जिला परिषद सदस्य के लिए वोटिंग होगी। हालांकि पंच और सरपंच पद के लिए वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए होना है। मिशन ईवीएम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम के मुताबिक सभी जिलों में ईवीएम पहुंच चुकी है। जिन जिलों में ईवीएम अभी तक नहीं पहुंची है वह भी रास्ते में है और अगले 24 घंटे में जिले में पहुंच जाएगी। शेखपुरा जिले को ईवीएम लेने में तमिलनाडु से थोड़ी परेशानी हुई। पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम बुधवार को केरल से पटना लाई गई। लगभग 11,000 ईवीएम पटना जिले में चुनाव के लिए आई है। 11 कंटेनर से केरल के तिरुवनंतपुरम से ईवीएम मंगाई गई है। ईवीएम को बाढ़, पालीगंज और नौबतपुर स्थित गोदाम में रखा जा रहा है। गोदाम में रखने के बाद ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग वेल के इंजीनियरों द्वारा की जाएगी। ईवीएम पहुंचने के साथ ही चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। बिहार में वित्तीय अनियमितता को लेकर यूं तो कई खबरें आती रहती है, लेकिन ताजा मामला चुनावी खर्च में फर्जीवाड़े का है। खबर मधेपुरा से सामने आई है, जहां चुनावी खर्च में फर्जीवाड़ा किया गया है। बीते साल में विधानसभा चुनाव के दौरान आवश्यक सामग्रियों को सप्लाई करने वाले सप्लायरों ने भुगतान के लिए जब बिल जमा किया तो पदाधिकारी दंग रह गए। चुनाव के दौरान स्टेशनरी, खाना पीना, टेंट और अन्य तरह की सामग्रियों और सेवाओं पर लगभग 23 करोड़ का बिल सप्लायरों ने जमा कराया है। पदाधिकारियों को आशंका हुई तो इसकी जाँच कराई गयी। जाँच के बाद बिल 13 करोड़ पर आ गया है। चुनाव के दौरान फर्जीवाड़े का खेल कैसा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 60 रुपए के मिलने वाला फूल झाड़ू लगभग 100 रुपए का दिखाया गया है। इसी तरह नारियल झाड़ू, जिसकी कीमत बाजार में 50 रुपए के आसपास है, उसके लिए 100 रुपए का बिल दिया गया था। इस मामले को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई है। कार्यालय ने इस गड़बड़ी की जानकारी दी है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने सप्लायरों के 9 बिल को फर्जी करार दिया है। अब इस मामले की आगे जाँच की जा रही है। बिहार में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ाई का काम अगस्त के दूसरे सप्ते से शुरू हो सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बात के संकेत दिए हैं। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण 6 अगस्त तक बिहार में आंशिक तौर पर कई पाबंदियां लागू हैं। इससे पहले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होनी है और इस बैठक के बाद पहली से 10वीं क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई को लेकर फैसला किया जा सकता है। अगस्त के पहले हफ्ते में यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार के स्कूल कब खुलेंगे। फिलहाल राज्य सरकार ने जो फैसला किया है उसके तहत 10वीं से ऊपर के स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। हालांकि परीक्षाओं में अब भी पाबंदी लगाई गई है। 50% क्षमता के साथ ही शिक्षण संस्थान खुले हैं। कोचिंग जैसे संस्थानों को अभी भी बंद रखा गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR में कहा था कि प्राइमरी सेक्शन में स्कूल पहले खोले जाने चाहिए, क्योंकि बच्चों में कोरोना से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है।
बिहार में शिक्षक नियोजन के दूसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। अगस्त के पहले सप्ताह में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। यह क्लास 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग तारीखें निर्धारित की जाएंगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। जानकारी हो कि 2 से 9 अगस्त के बीच काउंसलिंग के लिए घोषित किए गए शिविर में दोनों वर्ग की काउंसलिंग के लिए अलग अलग तारीखें नहीं थी, लिहाजा शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों की सुविधाओं और परेशानियों से बचने के लिए इसी समयावधि के आसपास शेड्यूल में संशोधन करने जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह लिखा है कि जिन जिलों में सीटों की तुलना में आवेदन काफी अधिक है, वहां काउंसलिंग के लिए पारदर्शिता की भी सभी तैयारियां की जा रही है। उन्होंने यह भी लिखा है कि जहां भी काउंसलिंग के दरमियान या काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों के दस्तावेज जमा करा दिए गए थे, उनके दस्तावेज गुरुवार तक वापस कर दिए जाएंगे। दरअसल ऐसा उन नियोजन में किया जा रहा है जहां गड़बड़ी के आधार पर काउंसलिंग की गई है। बीते गुरुवार को शिक्षा विभाग ने ई समाधान पोर्टल का शुभारंभ किया। शिक्षा विभाग के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ई समाधान पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल के जरिए प्राइवेट स्कूलों को NOC आसानी से मिलेगा। NOC लेने के लिए अब सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, इसके लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देने होंगे। इस वेब पोर्टल के माध्यम से इच्छुक विद्यालय प्रस्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पर की गई प्रत्येक कार्रवाई की सूचना आवेदक को पोर्टल से प्राप्त हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान यदि किसी भी तरह की तकनीकी समस्या होती है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें संपर्क कर उस तकनीकी समस्या का समाधान पाया जा सकता है। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच विधानमंडल में मानसून सत्र की शुरुआत 26 जुलाई से होने जा रही है। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले बिहार विधानसभा में गुरुवार को सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। इस अहम बैठक में मानसून सत्र के दौरान सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। 26 जुलाई यानी कि सोमवार से बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों जगह इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। इस बार मानसून सत्र 30 जुलाई तक चलेगा। 5 दिवसीय इस सत्र के विवादों से भरे होने की पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि विधानमंडल का यह सत्र भी काफी हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि पिछले सत्र में जो अभूतपूर्व घटना हुई उसे विपक्ष आज तक भुला नहीं है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से एक भी लोगों की मौत नहीं हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन से मौत नहीं होने का दावा करना दुर्भाग्यपूर्ण व हास्यास्पद है। यदि लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है तो क्या लोगों ने आत्महत्या की है? जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा है कि कोरोना काल में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पागलों की तरह अस्पताल से लेकर हर जगह ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे। आखिर क्यों उस वक्त ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी? क्यों ऑक्सीजन को बाउंसर की सुरक्षाओं में ले जाया जा रहा था? सिर्फ पटना में छोटे से बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर 20 से 50 हजार तक बिक रहे थे। केंद्र सरकार ने भी दूसरे देशों में ऑक्सीजन की खेप मंगाई थी। अगर ऑक्सीजन से लोगों की मौत नहीं हो रही थी तो ये सब क्या था? लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी, कालाबाजारी, वेंटिलेटर की कमी, एम्बुलेंस और दवाओं की कालाबाजारी की वजह से हुई थी। केंद्रीय मंत्री के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि वे सिर्फ जुमला ही जानते हैं, उनकी कार्यशैली जुमलों वाली है। कहने को तो डबल इंजन की सरकार एक इंजन गैर जिम्मेदार वाला बयान देता है तो दूसरा इंजन खामोशी से उसे स्वीकृत कर देता है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दायर किए गए लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 26 जुलाई तक यह बताने को कहा है कि कोरोना महामारी के संभावित तीसरे लहर को रोकने के लिए उसके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य द्वारा शेष मामले को लेकर दायर किए गए लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा है कि राज्य में कोरोना के टीके दिए जाने की क्या स्थिति है। राज्य में कितने लोगों को अब तक कोरोना का टीका दिया गया है? जिन लोगों ने अब तक कोरोना का टीका नहीं लिया है उन्हें यह टीका दिलाने के लिए क्या प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
SKMCH के पीकू वार्ड में 17 जुलाई को भर्ती हुए सकरा के चकरवे मनियारी निवासी 2 वर्षीय अनुप्रिया में AS की पुष्टि हुई है। बच्ची का ब्लड सैंपल व अन्य रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी ने AS की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि बच्ची को डॉक्टर JP मंडल के यूनिट में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, अभी इसकी हालत सामान्य है। डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी ने कहा कि पिछले 4-5 दिनों में उमस बढ़ी है। बिहार में पिछले 1 हफ्ते में 9 मरीज सामने आए हैं। ऐसे में AS से बच्चे पीड़ित होने लगे हैं। इस वर्ष SKMCH में 47 बच्चों में AS की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 10 बच्चों के इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। वहीं 2 बच्चे लामा हो गए हैं। 29 बच्चों को इलाज के बाद घर भेजा गया। इधर चमकी बुखार से पीड़ित 3 बच्चों को बुधवार को पीको वार्ड में भर्ती कराया गया है। सभी के ब्लड सैंपल पैथोलॉजी विभाग को भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद बीमार की पुष्टि हो जाएगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चे का इलाज जारी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले 9वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि रविवार को जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू हो गई है। नियमित कोटि के अध्ययनरत एवं स्वतंत्र कोटि के स्टूडेंट्स विद्यालय प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई तक करवा सकते हैं। 31 जुलाई तक ही शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी है। www.secondary.biharboardonline.com पर जाकर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके लिए परीक्षा शुल्क नियमित कोटे के स्टूडेंट्स को 320 रुपये व स्वतंत्र कोटि के स्टूडेंट्स को 450 रुपये देना होगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।